अगर आपके घर में दावत है और आप किसी अमेजिंग चटपटी और झटपट से बन जाने वाली यूनिक सी रेसिपी का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रेसिपी पर आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक करा है। आज मैं आपके साथ मटन निजामी बनाने की अमेजिंग सी झटपट सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा क्विक वे में हम मज़ेदार तरीके से झटपट सा मटन निजामी की अमेजिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो मटन निज़ामी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना मटन को मैरिनेट करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है ना हाफ के जी से थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पर मटन लिया है, बोनलेस मटन लिया है यानी कि बगैर हड्डी का लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन बिना 1/2 टीस्पून के करीब भुना कुटा जीरा भी ऐड कर देंगे। तकरीबन बिना यहाँ पर हम 1/2 टेबल स्पून ही गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही ना हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 प्याली यानी कि जो 1 मुट्ठी के करीब होती है ना, यहाँ पर हमने 100 ग्राम्स अगर ग्राम्स के हिसाब से लगाई की हुई प्याज को हमने दरदरा फॉर्म में अच्छा सा कूट के यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन बिना 250 ग्राम्स के करीब अच्छा वाला हमने गाढ़ा जो है ना दही ऐड करके तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, मैरिनेट कर लेना है। जब तमाम हमारा जो है ना मटन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा ना, अच्छे सी फॉर्म में आ जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन बिना 1/2 कप के करीब यहाँ पे हम तेल ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। 1 घंटा के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे 1/2 घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, चाहें तो फौरन से भी बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो मसालों का अच्छा सा फ्लेवर है ना वो मटन के अंदर अच्छे से आ जाएगा। तकरीबन भी 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम तकरीबन भी 1/2 कप के करीब तेल ऐड कर देंगे, क्योंकि 1/2 कप हमने मैरिनेशन के करीब ऐड किया था, यानी कि मैरिनेशन जब हमने की थी तो तब ऐड किया था, तो 1/2 कप अभी हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए बराबर हमारा 1 कप के करीब यानी कि 1 कप पूरा जो है ना भर के यहाँ पर तेल हमने ऐड कर दिया हुआ है। इसके अंदर हम यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद 2 से 3 जो है ना यहाँ पर हमने छोटी इलायची ऐड करने के साथ ही ना यहाँ पर हमने मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे, इसके बाद जो है ना इसे हम ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ढककर गलने से छोड़ने से पहले ना हम इसे 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के कुक करेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, इस स्टेज पर आ जाएगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले को याद रखें, सबसे पहले जो है ना अच्छे से भून के ही इसके अंदर जो है ना पानी ऐड किया करें। अच्छा, मसाला जब हमारा भुन जाएगा तो पानी ऐड करने से पहले ना यहाँ पर हमने 8 से 9 यहाँ पर बादाम लिए हैं। बादाम के अंदर यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब हम इस पेस्ट को जो है ना साथ ही जो हमने मसाला भुना था ना मटन का, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर पानी ऐड करके इसे हमने तकरीबन भी जो है ना 45 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पर रखें। अच्छा, 40 मिनट्स ही हुए हैं और हमारा जो है ना मटन अच्छे से गल चुका हुआ है। 5 मिनट जो है ना इसे हमने खोल के कुक कर लेना है ना, तो इस तरह से हमारा फुल डन फुल कुक हमारा मटन जो है ना हो जाएगा। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, मटन अच्छे से कुक हो चुका हुआ है, अच्छे से गल चुका हुआ है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर आके यहाँ पर जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें और जो है ना हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ ऐड कर दिया हुआ, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। इसे हम जो है ना हाई फ्लेम पर रख के कुक करेंगे तो मज़ेदार सा हमारा जो है ना मटन अच्छे से कुक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढक्कन बंद करके भी कुक कर लेंगे। इस तरह से अमेजिंग सा फ्लेवर जो है ना अच्छे से आ जाएगा धनिया का भी, और धनिया भी हमारी अच्छे से नरम हो जाएगी। तो मज़ेदार सा हमारा मटन निज़ामी बन के रेडी हो चुका हुआ है। रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर हूँ तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। और इस रेसिपी को अगर पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।